प्रधानमंत्री ने आज देश को संबोधित किया और अपना प्लान भविष्य का बताया कि दरअसल कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की ऊंचाइयों को आगे ले जाना है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एके मिश्रा जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। एके मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। पाकिस्तान आज कांग्रेस की भाषा को कोट कर रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि देखिए कांग्रेस को कितनी दिक्कत है, वो कोट कर रहा है। वो इनको अच्छा लग रहा है क्या? और क्या इन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वहां पर इंडस्ट्री जाएगी, वहां का पर्यटन बढ़ेगा, वहां पर बच्चियों को एजुकेशन का राइट मिलेगा, बच्चों को राइट मिलेगा? तो मुझे मानने की बात होगी। नहीं तो ये प्रेम कुमार जी गए, आप प्रेम कुमार जी गए, लाया हुआ बोलिए। मणिशंकर अय्यर गए थे, वो तो मणिशंकर अय्यर जाके बोलते हैं हमारी सरकार बनवाने के लिए पाकिस्तान के लोग मदद करो, तो पेट में दर्द इनके नहीं होगा तो किसका होगा? बोले अभी 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 चुप है प्रेम कुमार जी। साल के बाद ऐसी गर्वोन्मुक्त भाषा सुनने को मिली है देश के इतिहास में की सरकार, और आपको दर्द हो रहा है एक दूसरे को दिखा के 70 साल में। नहीं, आपने आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अशोक जी भी जवाब देंगे। अशोक जी नहीं, अशोक जी और आप एक पाकिस्तान में जाकर राजनीति कर रहे हैं जी। अशोक जी जवाब दीजिए। पाकिस्तान की भाषा ही बोलेंगे ना, वहां से सहयोग लेने के लिए। अशोक जी, अशोक जी एक बात सिर्फ ले लीजिए प्लीज। सुशील जी, हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों जो बात हुई थी कि कश्मीर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मध्यस्थता की, अरे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ना। मैंने पूछा ना, कोट कर रहे हैं कांग्रेस के। सुशील जी उसका जवाब दें। सुशील पंडित जी बोले सुशील पंडित जी, फिर मैं आपके पास। एक सेकंड, आपको हमारे जनरल कुलकर्णी साहब ने अभी लेह के बारे में बताया। ये वो जनरल हैं जो भारत का पहला सैनिक थे सियाचिन पर उतरने वाले इस देश के लिए। बोले इनको लेह के बारे में जितना मालूम है पहला आप सोच भी नहीं सकते हैं। इन्होंने जान जोखिम में डाली है, ये लेह को समझते हैं। आप जानना चाहेंगे कि लेह की जरूरत क्या है? आप जानना चाहेंगे कि लेह का एक केंद्र शासित प्रदेश बनना क्या है? वहां दोनों टू फ्रंट वॉर की जो हम बात करते हैं ना, वो चाइनीज फ्रंट और इंडियन फ्रंट वहीं आके मिलता है इस पूरी पूरी देश में। जी बिल्कुल, सबसे ऊंचा अगर युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, वो भी इसी फ्रंट पर आकर मिलता है। आप समझिए क्या संवेदनशील इलाका है वो, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी तंत्र में आ गई थी जो पूरे के पूरे राज्य की सुरक्षा को लेकर के चिंतित कर दिया। आपको पसीना आ रहा है, आपको पसीना आ रहा है, आपको स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। आप यूनियन अब आ गए, 70 साल से स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है। अरे क्या भरोसा? आतंकवाद पर भरोसा करते हैं? अलगाववाद पर आपको भरोसा है? नहीं, आपको आतंकवाद पर भरोसा है क्या? जो संघीय ढांचा है उस पर खतरा पैदा हो गया है, वो खतरा पैदा कर दिया गया। नहीं नहीं, मैं एक मिनट, एक मिनट बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना आप। एक मिनट, आपको भरोसा अलगाववाद पर है? नहीं, आपको अलगाववाद पर भरोसा था, आपको आतंकवाद पर भरोसा था, आपको कुछ परिवारों पर भरोसा था? नहीं नहीं, आप जवाब दीजिए ना, बोलिए ना, इधर देख के बोलिए, इधर देख के बोलिए ना, आप बोलिए ना, नहीं आप बोलिए, आप इधर देख के बोलिए ना, आपको भरोसा किस पर था? आपको आतंकवाद पर भरोसा था, आपके युवाओं के हाथ में पत्थर हो उस पर भरोसा था, उनके बच्चे विदेश में पड़े उस पर भरोसा था, आपको उस पर भरोसा था? नहीं, आपको उस पर भरोसा था, आपको डेवलपमेंट पर भरोसा नहीं था, आपको विकास पर भरोसा नहीं था। आप भाग जाते मेरे सवाल से, आप मेरे सवाल सुनिए, मेरे आप सवाल से भाग रहे हैं ना। मैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मंत्री जवाब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पूछिए, सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। आपको आतंकवाद पर भरोसा था? आपको अलगाववाद पर भरोसा था? भरोसा क्यों होगा? नहीं, आपको है भरोसा, तभी तभी आप इसका विरोध कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी की भाषा थी, या तो देशभक्त है या गद्दार है, यही बोल कर गए। आपने बोल दिया, आप देखिए 3 मिनट बोल दिया, मेरी बात सुनिए। आप जैसे लोग, आप सुनिए ना, सुनने की मत रखिए, आप सुनने की मत रखिए ना, आप सुनने की मत रखिए। लोग ऐसा भ्रम फैला रहे थे कि केंद्र सरकार ने जब यूटी बना लिया उसके बाद वहां पे असेंबली नहीं आएगी, वहां के लोगों को हक नहीं मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया कि उसके अंदर भी एमएलए चुने जाएंगे, ये आएगा। आपका भ्रम भी चौपट हो गया। आपके लिए कश्मीर, एक सेकंड रुक सर, 10 सेकंड दीजिए सर, मेरे को बोलने दीजिए, आप बोल दीजिएगा, प्लीज बोल लीजिए। मैं बोलूंगा, आपके लिए कश्मीर का मतलब यही था कि वो कुछ चुनिंदा
स्टेटस लीडर जो जाके वैली में आतंक फैलाए, जो आपके लिए कश्मीर का मतलब जम्मू नहीं था, आपके लिए जम्मू कश्मीर का मतलब ले नहीं था। आपकी दिक्कत यही है, पेट में मिर्ची लग रही है क्योंकि आपका नैरेटिव चला गया। आपने जिसका जम्मू में है, लद्दाख में हो गया, वो उनकी परवाह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल कभी जिंदगी में नहीं करेगा। राजनीति की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, परवाह करते हैं। सुशील पंडित जी मुझे आप बताइए, इन्हें क्या सिर्फ दो परिवारों पर भरोसा था? वही शासन करते रहे, वहां पर करप्शन करते रहे, वहां अपने बच्चों को अलगाववादी विदेशों में पढ़ाते रहे, इस पर इन्हें भरोसा था? टेररिज्म पर भरोसा था? इन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वहां का युवा जो है जिसके हाथ में पत्थर ना हो करके वो नौकरी करे? धृतराष्ट्र हुए हैं इस देश में, लेकिन आप जैसे मैंने नहीं देखे। बोलिए, आप सच्चाई से डायलॉग नहीं, आपको बोलते डायलॉग, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। एक तरफा बात नहीं, आप नहीं, आप किस बिना पर इस इतनी बड़ी आलोचना कर रहे हैं, इतना बड़ा अविश्वास कर रहे हैं? देश का चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री फ्रंट से आकर के आपको बता रहा है, अपनी प्राथमिकताएं दे रहा है, आपको रिएश्योर कर रहा है, जिसकी बात को लोग सुनते हैं, समझते हैं। जो आप नहीं बता रहे वो बताइए ना। नहीं, क्या नहीं बता रहे? आनंद, आप बता दीजिए क्या नहीं बताया, आप बता दीजिए ना। क्यों लोग घरों में कैद हैं? क्योंकि 70 साल से जहाज वहां पर जड़े जमा रहा था। एक समुदाय की नस्ल की स्थिति पैदा हो गई है। इस देश के अंदर अलगाववाद चलते रहे। अब्दुल्ला का बेटा लंदन में पढ़े, ग्राम पंचायत के बेटा लंदन में नहीं पढ़े, उसका बेटा शिक्षा नहीं मिले, दलित के बेटे को शिक्षा नहीं मिले, वाल्मीकि बेटे को शिक्षा नहीं मिले। अरे बेशर्मी की हद है। अरे कहाँ आतंक देना, बताइए, पत्थरबाजी होती ना, बताइए कहाँ होती थी पत्थरबाजी, कहाँ होती थी पत्थरबाजी? उत्तर प्रदेश में होती थी, उत्तराखंड में होती थी, बोलिए ना, पत्थरबाजी? युवाओं के हाथ में बंदूक कौन थमाता है? कहाँ थमाता था? कुछ मुट्ठी भर लोग, वो एके मिश्रा जी, हमारे जैसे देशभक्त देश छोड़ के नहीं भागे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देशभक्त बोलते हैं, अरे ईमानदारी से काम की। आप जब अलगाववादियों का समर्थन करेंगे तो देशभक्त नहीं होंगे, जब आप अलगाववादियों का समर्थन करेंगे तो देशभक्त नहीं होंगे, जब आप युवाओं के हाथ में पत्थर थमाएंगे तो देशभक्त नहीं होंगे। संजय जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट, संजय जी, संजय ये सोचने के लिए, संजय जी जवाब दे देने स्टैटिस्टिक बताता हूँ, आप बीच में दखल अंदाजी ना दीजिएगा। 1% आबादी है जम्मू कश्मीर की और 10% सेंट्रल फंड्स जाते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपए हर आदमी। उत्तर प्रदेश की आबादी है 14%, इसको जाते 8% सेंट्रल फंड और तकरीबन 4,300 रुपए। आप देखते हैं इतना पैसा सरकार ने जम्मू कश्मीर में भेजा के हिसाब से हाईएस्ट है। और कहां गया है ये पैसा? सिर्फ अलगाववाद, आतंकवाद। ये अच्छा लग रहा है आपको प्रेम कुमार जी? ये अच्छा लग रहा है आपको? आपकी सरकार क्या नहीं रही है? नहीं नहीं, ये अच्छा लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है ना? अब अनुच्छेद हट गया तो दिक्कत हो रही है? अब क्या दिक्कत हो रही है? अब क्या दिक्कत हो रही है? क्या नहीं कर दिया? आपकी सरकार थी तो क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश भर की इंडस्ट्री वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पहुँचे, वो क्या भरोसा आपको प्रधानमंत्री पर नहीं है? आप मुद्दे पर आइए पहले, अभी मुद्दे पर आइए ना, आप जिसका सवाल उसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं नहीं, आप एक मिनट सुनिए, आज प्रधानमंत्री ने कहा वहाँ सड़कें बेहतर होंगी, अस्पताल बन जाएंगे, प्लेट, अरे क्या अभी आप हथेली पर सरसों जमाना चाहते हैं? हथौड़ी
पहली पर सरसों जमाना चाहते हैं क्या? चलिए जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, एक मिनट जी, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे भी और सुशील सुशील पंडित जी से। सर मैं आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ, एक मिनट सर, सुनिए 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 ना, आप एक एक मिनट रुकिए, मैं ब्रेक ले लेता हूँ छोटा सा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा, एक मिनट, एक मिश्रा जी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये हम सवाल जरूर पूछेंगे कि अगर वहां पर सड़कें दुरुस्त होंगी, वहां पर हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी तो दर्द क्यों हो रहा है? लॉर्ड नाइजल, स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। एके मिश्रा जी, मेरा सवाल यही, टेक्नोलॉजी पहुंचे, स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, स्पोर्ट्स एकेडमी बने, बॉलीवुड की फिल्में वहां ज्यादातर शूट हो, बाहर से लोग पहुंचे, इसमें दिक्कत क्या है? अब जे जल्दी से, दिक्कत उनको है जो स्विट्जरलैंड फेल होने वाला है। अगर कश्मीर में केवल टूरिज्म आ जाए ना तो स्विट्जरलैंड लोग जाना पूरी दुनिया से भूल जाएंगे। इनको क्यों दिक्कत हो रही है? मैं समझता हूं कि आईएसआई से इनको फंडिंग मिली है क्या कि आप इस मुद्दे, इतिहास में पहली बार ये कदम बढ़ा है पूरे देश को आगे ले जाने के लिए। बातचीत हो गई, कह दी अपनी बात। अरे सर आप ऐसी बात, अरे आप तो क्या होगा, जो आदमी ऐसा बोलेगा, आप पाकिस्तान की मीडिया को देखो, शकूते ढाका के बाद ये एक विजय दिवस के रूप में याद किया जाएगा। डेवलपमेंट की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले होता है नेशनल प्राइड। संजय जी जल्दी से भरोसा करें, पाकिस्तान जो 370 को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था उसको जंग लग गया, अब वो कभी भी नहीं जंग लग गया। नहीं, अब आपको दिक्कत हो रही, पाकिस्तान का नाम ले रहे तो भी दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, अब आपको पाकिस्तान को जंग लग रहा है तो भी दिक्कत हो रही है आपको? तब भी दिक्कत हो रही है आपको? प्रदीप भंडारी, प्रदीप, अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाए, पाकिस्तान के हथियारों को जंग लग गई है, पाकिस्तान के हथियारों को जंग लग गई तो भी दिक्कत है? प्रदीप सुन लीजिए, अब आप बोलिए बोलिए, पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया जा रहा है जब हिंदुस्तान ने अपने इंटरनल मैटर पे एक्शन लिया 370 पे आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ, तो पाकिस्तान की अगर नियत सही होती तो उसको मिर्ची नहीं लगती, उसके पर वो नहीं बोलता इमरान खान कि पुलवामा जैसा अटैक हो सकता है पाकिस्तान, धमकी नहीं देते। सुशील जी, सुशील पंडित जी, क्या ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए? ऐसे लोगों की परवाह करनी चाहिए? आपके दिमाग में मुसलमान महिला नहीं आती? माफ करना, एक बड़ी खबर आ रही है।